हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडा। तो आज हम बात करने वाले टॉप 10 न्यू रिलीज हिंदी डब्ड चाइनीज फैंटेसी ड्रामा सीरीज के बारे में, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बनी है, जो आपको स्टार्ट हो एंड एंटरटेन करेगी। ये लिस्ट मैंने आईडीबी रेटिंग के आधार पर बनाई है और इस लिस्ट में मैंने सिर्फ उन्हीं ड्रामा सीरीज को इंक्लूड किया है जिन्हें बहुत ही कम लोगों ने देखा है, लेकिन ये सभी सीरीज एक से बढ़कर एक है। तो काउंटडाउन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि मेरा काम जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज का टॉप 10 काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर जो सीरीज है उसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ लेजेंड 2। ये 2018 मई फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा सीरीज है जो कि वन टाइम सीरीज है और इसके एंड रेटिंग है 7/10। इसमें स्टोरी दिखाई गई है यू वी नाम के व्यक्ति की, जो मास्टर की खोज में एक जर्नी पर निकलता है ताकि वह उनका स्टूडेंट बन सके। तो इस एडवेंचर भरी जर्नी में उसके साथ आगे क्या कुछ घटित होगा, ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की सीरीज जो कि हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो नंबर 9 पर जो सीरीज है उसका नाम है बैंकॉक वैम्पायर। ये 2019 मई सुपरनेचुरल फैंटेसी थाई सीरीज है जो कि वर्थ वॉचिंग सीरीज है और इसे माई ड्रामा लिस्ट पर 7.3/10 की रेटिंग मिली हुई है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है रोजारिन की, जिसकी बहन है वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है और संयोग से बैंकॉक शहर में एक के बाद एक लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो आखिर लोगों के गायब होने के पीछे की क्या मिस्ट्री है, ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की सीरीज जो कि हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो नंबर 8 पर जो सीरीज है उसका नाम है द स्माइलिंग प्राउड वंडर। ये 2018 मई एक्शन फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो कि मस्ट वॉच सीरीज है और इसे माई ड्रामा लिस्ट पर 7.5/10 की रेटिंग मिली हुई है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है कहानी के मेन हीरो की, जिसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है और वो किसी तरह बच जाता है। तो वो इस षड्यंत्र का पता लगाने के लिए एक जर्नी पर निकल पड़ता है। तो इस जर्नी में क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे, ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की सीरीज जो कि हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो नंबर 7 पर जो सीरीज है उसका नाम है द टाउसिम ग्रैंड मास्टर। ये 2018 मई एक्शन फैंटेसी ड्रामा सीरीज है, इसे आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए और इसके आईएमडीबी रेटिंग है 7.6/10। इसमें स्टोरी दिखाई गई है 300 साल पहले की, जहां वुल्फ किंग नाम का एक दानव है इंसानों पर हमला कर देता है, जिसके बाद गोट्स को बीच में आकर इंसानों को बचाना पड़ता है। उसके बाद कहानी है वो 100 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां कहानी का मेन हीरो कैसे टाउसिम ग्रैंड मास्टर बनता है और कैसे वो डार्क पावर से दुनिया को बचाता है, ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की सीरीज जो कि हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो नंबर 6 पर जो सीरीज है उसका नाम है लव बेटर देन इमोर्टलिटी। ये 2019 मई फैंटेसी एडवेंचर रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और इसके आईएमडीबी रेटिंग है 7.8/10। इसमें स्टोरी दिखाई गई है फ्यूचर की, जहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों को अमर कर देती है। वहाँ पर कहानी की मेन हीरोइन अपनी लाइफ से परेशान होकर ट्रू लव को एक्सपीरियंस करने के लिए अपनी इमोर्टलिटी को पीछे छोड़ एक काल्पनिक दुनिया में आ जाती है और आगे उसकी लाइफ में क्या कुछ घटित होगा, ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की सीरीज जो कि हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। और नंबर 5 पर जो सीरीज है उसका नाम है ट्राइब्स एंड एम्पायर्स स्टॉर्म ऑफ प्रोफेसी। ये 2017 मई हिस्टोरिकल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो कि वन टाइम सीरीज है और इसका आईएमडीबी रेटिंग है 7.8/10। इसमें स्टोरी दिखाई गई है फिक्शनल वर्ल्ड नोलैंड की, जहाँ 3 डिफरेंट प्रोफेसीज के कारण मुयोन सेंग, मुरा हंजिंग और सोपियंग की लाइफ में क्या कुछ घटित होगा, ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की सीरीज जो कि हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो नंबर 4 पर जो सीरीज है उसका नाम है रीयूनियन द साउंड ऑफ प्रोविडेंस। ये 2020 मई फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा सीरीज है जो कि वर्थ वॉचिंग सीरीज है और इसका एंड रेटिंग है 8/10। इसमें स्टोरी दिखाई गई है वू सी की, जो कि एक टॉम राइडर है, जो अपने दोस्तों के साथ टॉम राइडिंग मिशन में गए हो काफी समय बीत गया है, लेकिन वू सी को जब एक मिस्टीरियस कोड अपने मिसिंग अंकल से मिलता है तब एक एडवेंचर भरी जर्नी पर निकलते हैं और ये जर्नी उसे कहां तक ले जाती है, ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की सीरीज जो कि हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। और नंबर 3 पर जो सीरीज है उसका नाम है द लॉन्ग बेलेट। ये 2021 मई रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा सीरीज है जो कि मस्ट वॉच सीरीज है और इसका एंड रेटिंग है 8.6/10। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक राजकुमारी की, जो अपने परिवार के लिए अपने अंकल से बदला लेना चाहती है और एक दिन अचानक वो एक राजकुमार से मिलती है, तो आगे उसकी लाइफ में क्या कुछ घटित होगा, ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की सीरीज जो कि हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है।
और नंबर टू पर जो सीरीज है उसका नाम है वर्ड ऑफ ऑनर। ये 2021 में ये एक्शन एडवेंचर फैंटेसी ड्रामा सीरीज है, इसे आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। और इसका एंड रेटिंग है 8.9/10। इसमें स्टोरी दिखाई गई है दो दोस्तों की जो अपना सब कुछ छोड़कर मार्शल आर्ट की दुनिया में चले जाते हैं। वहाँ पर वो डिफरेंट टाइप की साजिशों में उलझ जाते हैं, तो आगे उनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की सीरीज जो कि हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो फाइनली बात करते हैं नंबर वन की, तो नंबर वन पर जो सीरीज है उसका नाम है द अनटेम्ड। ये 2019 में ही फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा सीरीज है, इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और इसके एंड रेटिंग है 9/10। इसमें स्टोरी दिखाई गई है दो दोस्तों की जिनके पास सुपरनेचुरल पावर होती है और जिनकी मदद से वे पास्ट में हुई मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ते हैं, तो आगे उनकी लाइफ में क्या कुछ घटित होगा यह सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की सीरीज जो कि हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो आज का मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना।